नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 26 अक्टूबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी हेमा साहू। देखिए इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि राजनंद गांव छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से हेमा साहू कितना रकम जीत कर गई हैं और साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है, वो चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 3,20,000 जीत कर गई है। मिनटों में ये अपना जीती हुई रकम में से 3,20,000 ये गवा दी है। 6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का सवाल पूछते हैं और उस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम होता। उसके बावजूद गेस के आधार पे वो गेम को खेलती हैं और वहीं पे गलत जवाब देकर सीधे नीचे गिर जाती है 3,20,000 पे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर हेमा साहू अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। तो हम आपको बता दें, ये अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल 10,000 के सवाल पे करती हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। 10,000 का सवाल देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से कौन सी संख्या एक कहानी संग्रह, जिसे अरबियन नाइट्स भी कहा जाता है, के शीर्षक को पूरा करेगी। चार ऑप्शन है, ए 501, बी 1001, सी 1501 और डी 2001। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को परसेंटेज दिया गया था वो था ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी 1001 को ये लॉक करवा कर जीत जाती हैं 10,000। दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 20,000 के सवाल पे, जो कि 50-50 था। देखिए 20,000 का सवाल स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से किस खेल में एकल और युगल वर्ग नहीं होता है। चार ऑप्शन है, ए स्क्वाश, बी लॉन टेनिस, सी बैडमिंटन और डी तलवारबाजी। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर कंफर्म नहीं थी, इसी को लेकर 50-50 का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में दो गलत विकल्प को मिटा दिया जाता है, उसके बाद बचता है ऑप्शन सी और डी। यहाँ पे ये ऑप्शन डी यानी कि तलवारबाजी को लॉक करवा कर जीत जाती हैं 20,000। तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 40,000 के सवाल पर, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। 40,000 का सवाल देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में नज़र आ रहे इस वाद्य यंत्र को पहचानिए, यानी कि तस्वीर दिखाकर इनसे प्रश्न पूछा गया था। तस्वीर कौन सा था देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखने के बाद इनको बताना था कि आखिर ये वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को इसका सही जवाब बताना होता है, तो हेमा साहू अपने अनुसार जिस ऑप्शन को लॉक करवाती हैं वो था ऑप्शन सी यानी कि संतूर, जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत जवाब है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे जो सवाल इनसे पूछा गया था, नाट्य कला पंडावनी का विषय मुख्य रूप से किस ग्रंथ पर आधारित है। चार ऑप्शन है, ए रामायण, बी महाभारत, सी वेद और डी उपनिषद। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही जवाब देती हैं और यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि महाभारत को लॉक करवा कर जीत जाती हैं 40,000। अपने आखिरी और चौथे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 6,40,000 के सवाल पे, जो कि आर्क्स दी एक्सपर्ट था। देखिए 6,40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से किस हस्ती ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। चार ऑप्शन है, ए नीलम संजीव रेड्डी, बी ज्ञानी जैल सिंह, सी शंकर दयाल शर्मा और डी वीवी गिरी। तो इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर 100% कन्फर्म नहीं थी, इसी को लेकर आज दी एक्सपर्ट का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको एक्सपर्ट के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये हैं अंजना ओम कश्यप और इनके मदद से यहाँ पे ये जीत जाती हैं 6,40,000। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शंकर दयाल शर्मा।
6,40,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का सवाल पूछते हैं और इसी सवाल पे हेमा साहू सबसे बड़ी गलती कर देती हैं। देखिए सबसे पहले 12,50,000 का कौन सा सवाल पूछा गया था वो स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। मैरिल बोन क्रिकेट क्लब की आजीवन मानद सदस्यता से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? 4 ऑप्शन है और इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, उसके बावजूद भी ये गेस के आधार पे ऑप्शन ए को लॉक करवाती है जो कि बिल्कुल इस प्रश्न का गलत जवाब होता है। और इस तरीके से ये 12,50,000 के प्रश्न पे गलत जवाब देकर सीधे नीचे गिर जाती है 3,20,000। और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 3,20,000 जीत कर जाती है। हालांकि इस सवाल के विषय में हम आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अंजुम चोपड़ा।